सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो। मैं भी एमजी आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्द मुझे 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गया हूं। आप लोग का प्यार है और इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तभी बार देखो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैं अपने कबूतर को डेली क्या खिलाता हूं। तो कुछ खास ही नहीं, मैं पहले बारीक दाना से शुरुआत करता हूं। जब भी मैंने खोलता हूं तो सबसे पहले बारीक दाना खिलाता हूं। शुरुआत करता हूं सरसों से। सरसों को आपको दिखला देता हूं। देखिए व्यूअर्स, यह है काली सरसों। जब भी आप कबूतर खोले तो इस तरह से एक बर्तन बना ले, मिट्टी का बर्तन ले ले, इस तरह से बना ले, चाहे मिट्टी का बर्तन जो बना के उसे उपयोग करें। देखिए व्यूअर्स, काली सरसों है ये। जब भी कबूतर खोले तो आप उसे पहले काली सरसों दें, उसके बाद गेहूँ दें। गेहूँ तो आप जानते ही हो। गेहूँ को दिखा देता हूँ मैं, ये देखे बस। बिल्कुल। और एक और बात, आप गेहूँ कभी भी लाएं तो उससे पहले आप एक बार धो लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल होती है। तो कोशिश करें कि गेहूँ को धोकर सुखा कर तब कबूतर के लिए यूज करें, जैसे मैं करता हूँ हमेशा अपने कबूतरों के लिए। सरसों को भी जब मैं लाया था तो उसके अंदर काफ़ी गंदगी थी, तो मैंने भी इसे धो धा के अच्छे से साफ करके सुखा के और एक डिब्बे में रख रखा हूँ। डेली 50 ग्राम देता हूँ मैं इनको। अभी मेरे पास ज़्यादा कबूतर है नहीं, 8 जोड़े कबूतर हैं। तो आप भी ऐसी करें, जब भी गेहूँ या सरसों लाएँ तो उसे धो के सुखा के तभी अपने कबूतर को इस्तेमाल करें, तो आपके कबूतर कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल रखें। जब भी आप देखें, देखिए व्यूअर्स, यही है फीड्स गेहूँ है। देखते हैं आप, बहुत ही प्यार से खाते हैं कबूतर, और आप भी कोशिश करें। और उसके बाद मैं क्या खिलाता हूँ, एक और चीज़ खिलाता हूँ जो कि डेली देता हूँ मैं, दोनों टाइम खिलाता हूँ, कभी कभी एक टाइम ही खिला पाता हूँ, रोटी। ये देखिए रोटी, आप इसे बारीक करके तोड़ लें छोटे छोटे। देखिए इससे क्या होगा, देखो भाई, इससे ये होता है कि कबूतर का जो बदन होता है वो हमेशा भरपूर रहेगा, वो कभी सूखे में नहीं आएंगे आपके कबूतर। आप इसे रोटी ज़रूर दें, पूरे बदन को सही रहे, खास करके जो आपके पास ब्रीडर पेयर है। तो मेरे पास जितने भी पेयर हैं इस वक्त सबके सब ब्रीडर ही है, तो इनको मैं ज़रूर इसी हिसाब से डाइट देता हूँ। और अब चलता हूँ, मैं आपको देख के भी दिखाता हूँ वीडियो में। तो पहले मैं शुरुआत कैसे करता हूँ वो भी दिखाता हूँ आपको, तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। बस मैंने सरसों डाल दिया है और देख सकते हैं आप कि किस तरह से सरसों को बड़े प्यार से खा रहे हैं सारे कबूतर। और इसके बाद मैं सरसों जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं गेहूँ और उसमें थोड़ा सा सरसों मिक्स और कर दिया है, तो उसे भी डालूँगा इसके बाद। तो आप भी इसी तरह से मिट्टी का बर्तन में डालें सरसों, ताकि आपका जो दाना है वो कभी बर्बाद भी नहीं जाएगा। तो यही है मेरे परिंदे। देखे व्यूअर्स, मैं आपको पास में जाकर दिखाता हूँ सरसों खा रहे हैं कैसे। देखे व्यूअर्स, बड़े प्यार से सरसों खा रहे थे अभी, तो देख के थोड़े डर गए मेरे को। और देखते हैं फिर, तो बने रहे आप एंड तक। इसके बाद मैं रोटी डालूंगा। जब एक सरसों खत्म हो जाएंगे उसके बाद रोटी खिलाऊंगा मैंने। व्यूअर्स, इनके लिए पानी भी रखा हुआ है, जो मैंने पानी को आधा ढक दिया, क्योंकि इसमें कबूतर कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर जाके नहाना शुरू कर जाता है, इस वजह से मैं आधा पानी कवर करके रखता हूँ, ताकि इसमें बीट भी नहीं जाएगा और आराम से पानी पी लेंगे। तो आप भी इस तरह से देखें और जुगाड़ लगाएं। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए, ये है गेहूँ और मैंने गेहूँ अब डालूंगा। तो आप देख ले कि आप भी इसी तरह से बर्तन का यूज करें, क्योंकि इससे आपके जो बीट्स है वो बर्बाद नहीं जाएंगे। गेहूँ वगैरह जो भी मैं डाल रहा हूँ इसमें, वो कबूतर इसमें कचरा भी नहीं करेगा, आराम से खा लेगा। और एक और बात है कि इसमें बिल्कुल साफ़ फ्रेश दाना रहता है,
देखे भी बर्ड्स, तो मैंने गेहूं भी डाल दिया। और ज़्यादातर कबूतर बड़े जो बड़े टाइप का जो दाना होता है जैसे गेहूं, उसे ज़्यादा खाना जल्दी पसंद करेंगे। मैंने देखो सरसों भी डाल रखा है, सरसों नहीं खा रहे हैं, सरसों उन्होंने खाना छोड़ दिया, वो सारे गेहूँ पर टूट पड़े। तो आप भी ऐसा गलती न करें। ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सीख मिले कुछ। देखिए व्यूअर्स, सरसों छोड़ दिया उसने क्योंकि बहुत बारीक होता है और देर तक खाना पड़ेगा उन्हें। उन्होंने गेहूँ में डाला, गेहूँ पे तुरंत तो सब चले गए और गेहूँ खाना शुरू कर दिया। देखिए व्यूअर्स, ये मादी ने जो पानी पी गई अभी। और सबसे एंड में डालता हूँ रोटी, रोटी बहुत प्यार से खाएंगे। फिलहाल ये गेहूँ और सरसों को बहुत ही प्यार से खा रहे हैं व्यूअर्स। इसके बाद मैं डालूँगा रोटी जो कि इनका डेली का डाइट है। इससे मेरे कबूतर हेल्दी रहते हैं और सारे परंत हैं, नए कबूतर हैं। आप भी इसी तरह का अपने कबूतर को डाइट दें। और व्यूअर्स ज़रूर बताना यार कबूतर कैसे लगे मेरे आपको। व्यूअर्स जैसे कि गेहूं सरसों वगैरह मैंने खिला दिया तो इन दोनों दाना को हटा लिया, इन्होंने खा लिया। उसके बाद मैंने देखो रोटी डाला है और रोटी को देखो व्यूअर्स कितने प्यार से सारे कबूतर खा रहे हैं। तो आप भी ज़रूर अपने कबूतर को खिलाएं। रोटी जो होती है भाई उसे बिल्कुल बारीक करके तोड़ लेना और उसके बाद डाल देना। देखो भाई कबूतर को सबसे पसंदीदा खाना अगर बोला जाए तो रोटी है, बहुत ही प्यार से खाते हैं व्यूअर्स। और इससे आपका कबूतर हमेशा स्वस्थ भी रहेगा। देखिए व्यूअर्स, सारे कबूतर जितने भी हैं सबके सब इस वक्त रोटी खा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे तो भाई चैनल को कर लेना सब्सक्राइब प्लीज़ यार, इस तरह सपोर्ट करो। आप लोग का प्यार काफ़ी अच्छा देखने को मिला मुझे, सब्सक्राइबर्स करीब 1000 पहुंच चुका है। फिर से एक बार सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते बहुत जल्द अगले वीडियो में।